कौमी क्रिकेट टीम ने बाबर आजम की कप्तानी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज तो बाद चार मैचों की टी ट्वेंटी सीरीज भी 3-1 की बरतरी नाल जीत ली। तफसीलात के मुताबिक वनडे सीरीज में फखर जमान ने 2 सेंचुरियां बनाईया 302 रन बना के मैन ऑफ द सीरीज करार पाए, जबकि बाबर आजम ने 1 सेंचुरी ते 50 की मदद नाल 228 रन बनाए, जिदे बाद उन्हां वनडे क्रिकेट की आईसीसी रैंकिंग्स में भारतीय कप्तान विराट कोहली नूं पिछा छड़ के पहली पोजिशन उत्ते कब्जा कर लिया। बाबर आजम तो पहला 2003 मुहम्मद यूसुफ आखिरी पाकिस्तानी बल्लेबाज सन जिन्हें वनडे रैंकिंग टॉप रैंक हासिल किया। वनडे सीरीज तो बाद चार मैचों की टी ट्वेंटी सीरीज में भी शहीना चंगी कारकर्दगी विखाई, पर आखिरी ते चौथे मैच में पाकिस्तानी टीम ने एक बारी फिर अवाम नूं हार्ट अटैक करवाने का सोचा ते चंगे भले 145 का टारगेट चेज करते करते अचानक धड़ाधड़ आउट होने लग पाए, पर ऑलराउंडर मुहम्मद नवाज ने अखीर बेड़ी पार कराई ते अवाम ने सुख का सह लिया। टी ट्वेंटी सीरीज विच भी कप्तान बाबर आजम ने 1 सेंचुरी बनाई ते 210 रन बना के मैन ऑफ दी सीरीज करार पाए। यंग कप्तान की क्यादत विच साउथ अफ्रीका का कामयाब दौरा पाकिस्तानी टीम वास्ते खुशाइंद है, जिदा पूरा क्रेडिट कोच मिसबाह उल हक ते कप्तान बाबर आजम नूं जांदा है, पर टीम दे मिडल आर्डर विच अजे भी कुछ तब्दीलियां दी लोड़ है, क्यों जे आखिरी मैच विच टॉप आर्डर दे जान तो बाद मिडल आर्डर ने आसान हदफ नूं मुश्किल बना दिता। इस साल इंडिया विच टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी शेड्यूल है ते हर पाकिस्तानी चाहुंदा है कि साडी टीम चंगा परफॉर्म करे ते गुआंढी मुल्क विचों कप जीत के वापस आए।